तो आज हम लोग क्या देखेंगे, यूटिलिटारियनिज्म। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यूटिलिटारियनिज्म क्या था, कॉन्सिक्वेंशलिज्म का पार्ट है हेडोनिज्म की तरह से, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंशलिज्म क्या बोलता है कि गुड कॉन्सिक्वेंस ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा गुड कॉन्सिक्वेंस हुआ उतना ज्यादा मॉरल एक्शन हुआ, ठीक है। इन केस ऑफ यूटिलिटारियनिज्म, जैसे कि यूटिलिटी ऑलरेडी तुम इसमें देख रहे हो, तो इन केस ऑफ यूटिलिटारियनिज्म गुड कॉन्सिक्वेंस क्या है, यूटिलिटी है। इन केस ऑफ यूटिलिटारियनिज्म गुड कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है। इसको इंटरचेंजेबली जो है कई बार प्लेजर से भी रिप्लेस किया जाता है। तो या तो गुड कॉन्सिक्वेंस में क्या देखोगे तुम, या तो यूटिलिटी मैक्सिमम करोगे, या फिर तुम क्या मैक्सिमम करोगे, प्लेजर मैक्सिमम करोगे, ठीक है। तो यूटिलिटारियनिज्म जो है मेनली जो हमको देखना है उसमें, जो अगर तुम थिंकर्स की बात करोगे, तो पहला थिंकर जिसको हमको देखना है वो कौन सा है, जर्मी बेंथम। जिस थिंकर को हमको देखना है, जर्मी बेंथम, तो ये प्रोपाउंडर है। इसका अगर तुम बैकग्राउंड देखो तो ये तो पहला तो ब्रिटिश फिलोसफर है, ठीक है। और इसका ओरिएंटेशन मेनली सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म करना था, ठीक है। और अगर तुमको याद होगा जब हम कांतियन फिलॉसफी पढ़ रहे थे और जब हम क्रिटिसिज्म उसका देख रहे थे, कांतियन फिलॉसफी एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटारियनिज्म, तो वहां पे हमने क्या कहा था कि कांत जो है यूटिलिटेरियनिज्म को ना तो मोरल फिलॉसफी को तो छोड़ दो, इवन लॉ की तरह से वो नहीं चाहता है कि यूटिलिटेरियनिज्म शुड बी द मेन बेसिस ऑफ लॉ, याद आ रहा है ना। तो उसका कंसर्न मेन ये है कि जर्मी बेंथम ने जो ये मोरालिटी का कॉन्सेप्ट दिया बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, वो बेसिकली उसने दिया था कि लॉ कैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, इस बुक में इसने एक्चुअली डिटेल्ड आउट किया है हाउ यूटिलिटारियनिज्म शुड बी द बेसिस ऑफ अ मोरल लेजिस्लेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, मतलब ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल इंडिविजुअल एथिक्स के लिए लिख रहा है, ये बेसिकली क्या लिख रहा है, एक तरह से पॉलिटिकल एथिक्स लिख रहा है, स्टैंडर्ड्स लेजिस्लेशन का लिख रहा है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमको जर्मी बेंथम को देखना है, ठीक है। और अगर तुम यूटिलिटारियनिज्म को शॉर्ट में एक लाइन में अगर लिखना चाहते हो तो इसको तुम कहोगे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, अगर ये लाइन तुम समझ जाते हो कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, तो बस यूटिलिटारियनिज्म तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है, इसका फिलॉसफी कहाँ से शुरू होता है, वो हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और ये सिंपली कहता है कि ये लेके चलता है कि दुनिया जो है, वर्ल्ड या जो ह्यूमन नेचर है, वो टॉर्न है बिटवीन क्वेस्ट फॉर प्लेजर, सब कोई खुशी पाना चाहता है, क्वेस्ट फॉर प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। तो आदमी डिवाइडेड किसके बीच में, आदमी या तो क्वेस्ट ऑफ प्लेजर के लिए काम करता है या अवॉइडेंस ऑफ पेन के लिए काम करता है। तो फिर ये बोलता है कि एक तरह से तुम सोचो तो प्लेजर इज द अल्टीमेट गुड, प्लेजर जो है वो अल्टीमेट गुड है। और फिर वहां से वो पहुंचता है कि जब सब कोई दुनिया में प्लेजर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा मोरल क्या होगा कि तुम सबसे ज्यादा लोगों का प्लेजर, सबसे मतलब मैक्सिमम मैक्सिमाइज कर दो उस प्लेजर को, ठीक है। तो हर लोग क्या है, प्लेजर के पीछे भाग रहा है, पेन को अवॉइड करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो कैलकुलेशन है कि प्लेजर कितना हुआ, पेन कितना हुआ किसी पर्टिकुलर एक्शन का, अगर हम उसको मैक्सिमाइज कर दें फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो कहीं ना कहीं दुनिया में भला हुआ। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हुए, अल्टीमेटली खुश हुए, उनको प्लेजर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो
तो जस्ट इसको रीड मैं कर रहा हूं, बेंथम सॉ द वर्ल्ड एज टॉर्न बिटवीन टू ग्रेट फोर्सेस, द क्वेस्ट फॉर प्लेजर एंड द अवॉइडेंस ऑफ पेन. From this, he intuited that it would be better to maximize the former and minimize the latter, and that all other considerations are irrelevant. Kata, for ethics, only thing which we should be concerned about is maximizing the pleasure and minimizing the pain. बाकी दुनिया में सारी चीजें irrelevant हैं, ठीक है? और फिर ये भी क्या believe करता है? कि हैप्पीनेस एंड प्लेजर आर द ओनली इंट्रेंसिक गुड. हैप्पीनेस और प्लेजर क्या है? इनहेरेंटली गुड है. बाकी सब चीज जो है गुड है या बैड है, इस चीज पे डिसाइड करेंगे कि वो अल्टीमेटली हैप्पीनेस मैक्सिमाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेन मिनिमाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन इन केस ऑफ प्लेजर वी कैन बी सर्टेनली श्योर दैट इट इज द अल्टीमेट गुड. उसको किसी और चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो प्योर है कि नहीं है. समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट गोल ऑफ एथिक्स फॉर यूटिलिटेरियनिज्म बिकम्स कि हम कैसे मैक्सिमाइज करें प्लेजर को या मिनिमाइज करें प्लेजर को, ठीक है? तो ये अल्टीमेट गोल हो गया. समझ में आ रहा है? और प्लेजर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक्शन से तो होगा नहीं. प्लेजर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस चीज से होगा? कॉन्सिक्वेंस से होगा. होगा ना? एंड में क्या हुआ, राइट? तो दैट मैटर्स द मोस्ट. हेंस द अल्टीमेट गुड या अल्टीमेट मोरालिटी इज ड्रिवन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस एंड नॉट फ्रॉम द मीन्स, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या है, इसके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कॉन्सिक्वेंस. तो कॉन्सिक्वेंस, वो कॉन्सिक्वेंस, मान लो चार ऑप्शन है, चार एंड रिजल्ट हो सकता है, उसमें से जो कॉन्सिक्वेंस सम ऑफ, इसमें से जो भी कॉन्सिक्वेंस सम ऑफ टोटल प्लेजर माइनस सम ऑफ टोटल पेन इस फंक्शन को मिनिमाइज कर देगा. समझ में आ रहा है? जो भी सम ऑफ टोटल प्लेजर, यहां पे सिग्मा ऑलरेडी सम को दिखाता है, बट टोटल प्लेजर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें तुमको एक आदमी का प्लेजर नहीं देखना है, तुमको इसमें यूनिवर्स का प्लेजर देखना है. ये इगोइस्टिक नहीं है. तुम कोई काम को एथिकल इस बेसिस पे नहीं कहोगे कि इसमें हमको मैक्सिमम प्लेजर मिला है. अगर एक्टर को पेन भी हो रहा है बट बाकी लोगों का प्लेजर मैक्सिमाइज हो रहा है, देन इट इज एथिकल. फॉर एग्जांपल, किसी एक आदमी के जंप करने से बोट में बाकी लोग अगर बोट में बच जाएंगे क्योंकि बोट की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो ये एक्शन में पेन हो रहा है. हो सकता है वो जंप करने वाले तुम ही हो, बट वो बोलेगा कि तुमने एक एथिकल एक्शन किया, और वो सिंपली इसलिए किया, क्यों? क्योंकि टोटल प्लेजर मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो है ये इंडिविजुअल पे फोकस नहीं है, इंडिविजुअल नहीं, एक तरह से जितने स्टेक होल्डर हैं, या यूनिवर्स अगर मैं बोल दूं, यूनिवर्स का प्लेजर मैक्सिमाइज होना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर हैं सबका प्लेजर मैक्सिमाइज होना चाहिए, किसी एक के बेसिस पे नहीं हम प्लेजर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो अल्टीमेट गोल उसका क्या था? फॉर एग्जांपल, लॉ के सेंस में कैसे देखोगे कि वो लॉ होना चाहिए जो कि देश के लोगों को खुश करे, मैक्सिमम लोगों को खुश करे. समझ में आ रहा है? तो पहला चीज क्या है, मीन्स मैटर नहीं करता है, इंटेंशन भी मैटर नहीं करता है. ये भी क्या है, ये भी मैटर नहीं करता है. ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि व्हाट इज द एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. और ये बिलीव करता है कि ये बेसिस हो सकता है, यूटिलिटेरियनिज्म बेसिस हो सकता है मैक्सिमाइजिंग द प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग द पेन, बेसिस हो सकता है,
किस चीज का, लॉ बनाने का और इंडिविजुअल मोरालिटी का। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग बात किए थे ना कि ये पॉलिटिकल रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म की बात करें, ठीक है। तो लॉ का बेसिस बोलता है कि यूटिलिटेरियनिज्म हो सकता है, और इसी बात को ग्राउंड वर्क में किसने क्रिटिसाइज किया, कांत ने, ठीक है, कांत ने इसी चीज को क्रिटिसाइज किया। अब एक तरह से तुम देखोगे तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहा है। अभी तो मैंने भी जो ये इक्वेशन एग्जैक्टली उसका नहीं दिया हुआ है, मतलब मैं जस्ट लॉजिकली प्लेस कर रहा था कि ये इक्वेशन है। तो एक तरह से ये क्या बोल रहा है कि तुमको क्या करना है, प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है और पेन दोनों का जोड़ना है, कितना उस प्रोसेस में पेन हुआ, और एक कैलकुलेशन करना है। चार ऑप्शंस हैं, जो मैक्सिमम होगा तो वो, एक तरह से तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने कैलकुलस दिया है, जिसको वो कहता है हेडोनिस्टिक कैलकुलस। मतलब ये सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, एक हेडोनिस्टिक कैलकुलस दिया है, और उसमें कहा है कि तुम क्या करोगे, क्या क्या चीज मेजर करोगे, कैसे तुमको पता चलेगा प्लेजर है कि पेन है, और उसको क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा ना सम करने के लिए। तो उसमें उसने 7 फैक्टर्स बोला है। पहला है इंटेंसिटी, पहला वो क्या चीज देखने बोल रहा है कि इंटेंसिटी देखो, क्या देखने बोल रहा है कि इंटेंसिटी देखो उस काम का, कि तुम्हारा जो प्लेजर तुम डेराइव कर रहे हो, हाउ इंटेंस इट इज, हाउ स्ट्रांग इट इज। मान लो तुमको इसको ऐसे सोचो, अंबानी का 1000 रुपया गिर जाए और वो 10 भिखारी को मिल जाए, अंबानी का 1000 रुपया गिरेगा, अंबानी को पता भी नहीं चलेगा, बट 100-100 रुपया जब सब भिखारी को मिलेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्लेजर हो जाएगा। और जब तुम सम करोगे तो अंबानी का पेन 1000 रुपया खोने का प्लस 10 भिखारी को 100 रुपया मिलने का प्लेजर, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो एक तरह से ये एथिकल एक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये इंटेंसिटी है। तुम जब बहुत भूखे रहते हो या बहुत प्यासे रहते हो तो शुरुआत का घूट का पानी का जो इंटेंसिटी प्लेजर का है वो क्या होता है, बाद के प्लेजर की इंटेंसिटी से कम हो जाता है। तो उस सेंस में इंटेंसिटी है। तो पहला चीज इंटेंसिटी है, दूसरा क्या है, ड्यूरेशन। मूवी देखे कोई, उसका प्लेजर, और कोई एक अच्छी सी बुक पढ़ लिए उसका प्लेजर। समझ रहा है, कहने का मतलब है कोई भी प्लेजर कितने टाइम तक लास्ट करेगा वो भी उसका क्वांटिटेटिव फैक्टर है। तो ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी क्यों, क्योंकि हम लोग कॉन्सिक्वेंस अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग नहीं जानते एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो हाउ सर्टेन यू आर कि ये काम करोगे तो तुमको प्लेजर प्राप्त हो जाएगा, उसका भी एक फैक्टर आना चाहिए। अगर सर्टेनिटी लो है तो क्या हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया। सर्टेनिटी 100% है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उसके बाद है प्रोपिनक्विटी, तो प्रोपिनक्विटी क्या है, हाउ सून यू विल गेट दैट प्लेजर, हाउ सून, आज काम करोगे 10 साल बाद वो प्लेजर प्राप्त होगा, या आज काम करोगे और कल प्राप्त होगा, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, प्रोपिनक्विटी। फेकंडिटी, How likely is that that pleasure will produce another pleasure? Multiplier effect. मान लो कोई काम तुमने अच्छा किया, उसके कारण कोई और काम अच्छा होगा। तुमने सच बोला या तुमने किसी का हेल्प किया, उसके कारण उसने पलट के फिर तुम्हारा हेल्प किया, तो डबल प्लेजर हो गया। एक तो हेल्प करते वक्त तुमको खुशी हुआ, वो दोबारा हेल्प किया तो उसका खुशी हुआ। समझ में आ रहा है?
तो दैट इज फेकंडिटी, सिक्स इज प्योरिटी, प्योरिटी कंपोनेंट मेजर करता है कि क्या उस प्लेजर के साथ कोई पेन एसोसिएटेड है कि नहीं है। तो कंप्लीटली प्योर है तो कोई पेन एसोसिएटेड नहीं है, अदरवाइज वो मिक्स बैग है। और सातवां है एक्सटेंट, एक्सटेंट बताता है कि कितने लोग उससे प्लेजर प्राप्त करेंगे। मान लो तुमने किसी के लिए इंडिविजुअल तालाब खुदवा दिया और एक गांव के लिए तालाब खुदवा दिया, तो एथिकल एक्शन है गांव के लिए तालाब खुदवाना, क्योंकि उससे ज्यादा लोग प्लेजर प्राप्त करेंगे। तो एक तरह से इसने जो बात था ना, वही जो बात था कि यूनिवर्स का मैक्सिमाइज करने का कोशिश कर रहा है, पेन मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहा है, और प्लेजर हर आस्पेक्ट में क्वांटिफाई कर रहा है। टाइम कितना लगेगा, अनदर प्लेजर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कितना जल्दी प्राप्त होगा, कितना लंबे समय तक प्राप्त होगा, तो वो सारी चीजों को भी वो कैटर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में हेडोनिस्टिक कैलकुलस वो बोलता है कि तुम लगाओ और इस इक्वेशन में जो तुमको मैक्सिमम आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोरल हो जाएगा, मोस्ट मोरल एक्शन हो जाएगा। बट एक चीज तुमको ध्यान देना है, जर्मी बेंथम का जो फिलॉसफी था दैट वाज एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्ट एंड रूल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या बोलता है, हर एक्शन करने से पहले तुम बैठ के कैलकुलेशन करो, तो हर एक्शन का इंडिविजुअलिस्टिक तुमको क्या करना है, एनालिसिस करना है और उसके बेस पे उसका मोरालिटी डिसाइड करना है। दिस इज एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो तुम क्या कर रहे हो, जर्मी बेंथम क्या बोल रहा है, हर एक में हेडोनिस्टिक कैलकुलेशन करो। एज अपोज टू इट, कुछ लोगों ने रूल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को प्रपोज किया है। अब है क्या, हर एक्शन करने से पहले अगर तुम कैलकुलेशन करने लगा तो मालूम चला टाइम इतना डिले हो जाएगा कि तुम कर नहीं पाओगे, या हर एक्शन में बैठ के कैलकुलेशन करना मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग को हर एक्शन का कैलकुलेशन करने के बजाय रूल बेस्ड कैलकुलेशन करना चाहिए। अभी भी हमारा पर्पस प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग मोरालिटी नहीं है, क्या करें, जनरल रूल बना लो। ओवर टाइम तुम अगर स्टडी करोगे तो तुम देखोगे झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बोलेगा कि इस तरह के रूल्स के बेस पे तुम सम करो। अगर कोई ऐसा रूल है जो कि लॉन्ग टर्म में घाटा पहुंचाता है, शॉर्ट टर्म में प्लेजर पहुंचाता है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। झूठ बोलने से हो सकता है कि तुमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो जाए बट लॉन्ग टर्म में घाटा होगा, क्योंकि लोग जान जाएंगे ये झूठ बोलता है, कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारा क्रेडिट मार्केट में डाउन हो जाएगा, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? बट अगेन, गोल अभी भी, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एथिक्स इज स्टिल मैथमेटिकल, स्टिल मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, रूल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म बोलते हैं। लेकिन जर्मी बेंथम का कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कैसा है, एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा, क्या कहते हैं, जर्मी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म। और जब भी यूटिलिटेरियनिज्म पे अगर बिना कुछ बोले अगर सवाल आए तो यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ टू दिस पार्ट ओनली, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो ये यूटिलिटेरियनिज्म, अगर तुम देखोगे तो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये यूटिलिटेरियनिज्म जो है, इसका इन्फ्लुएंस आज के दिन में बिजनेस मैनेजर्स, पॉलिटिशियंस या मतलब ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बात क्या है कि तुम किसी भी पॉइंट पे सबको खुश नहीं कर सकते हो, सबको हैप्पी नहीं बना सकते हो। The only way to move forward is to maximize pleasure.
मैक्सिमम लोगों को खुश कर सको, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको कहीं डेवलपमेंट करना है, कोई ना कोई का जमीन तुमको लेना पड़ेगा और वो आदमी दुखी होगा ही होगा, है कि नहीं है? बट क्या इस काम के लिए तुम पूरा प्रोग्रेस रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। उस काम के लिए तुम पूरा प्रोग्रेस नहीं रोक सकते हो, समझ में आ रहा है? तो इसलिए तुमको, तुम देखो कि ब्यूरोक्रेसी मोस्टली डिसीजन इन्हीं के बेसिस पे लिया जाता है। इट्स वेरी, मतलब तुम इसको क्या कह सकते हो, वेरी पॉपुलर है ये लॉ मेकर्स के बीच में, या मतलब पॉलिटिशियंस के बीच में, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकिंग में खास करके, इकोनॉमी में खास करके मैक्सिमाइज ही करते हैं यूटिलिटी को, है ना? तो इट्स ए वेरी पॉपुलर, ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है। और कहीं ना कहीं तुमको लगता है कि कोई तुम एक्शन लो, उसका गुड कॉन्सिक्वेंस नहीं हो, तो फिर वो एक्शन एथिकल कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी आसान है समझना, सब बहुत आसान है ये थ्योरी समझना। और कहीं ना कहीं तुमको लगता है कि कोई एक्शन लिया और उसका अगर कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उस एक्शन को जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। जस्ट देखते हैं डिमोनेटाइजेशन को, रिमूव द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। इंटेंशन था ब्लैक मनी रोकना, कॉन्सिक्वेंस हुआ, बहुत लोग लाइन में लगे, बहुत लोग को पेन हुआ, कुछ लोग मर गए, बट एट द एंड में ब्लैक मनी कैप्चर नहीं हुआ। तो लोग इसलिए डिमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। जिन लोगों ने लागू किया था, सरकार क्लेम करती है कांतियन फिलोसफी से कि मेरा इंटेंशन सही था, वो कॉन्सिक्वेंस पे नहीं जाती है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस के एंड पे उसको शॉक लग गया, ठीक है। बट आम जनता जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या करते हैं, एंड की बेसिस पे करते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एंड मैटर करता है। टॉर्चर वाले प्रॉब्लम में वापस से अगर हम आए, जैसे जैसे मान लो एक आदमी को बचाने के लिए एक आदमी को टॉर्चर करोगे कि नहीं करोगे, तुम कहोगे नहीं करेंगे। 100 आदमी को बचाने के लिए टॉर्चर करोगे कि नहीं करोगे? ज्यो ज्यो ये नंबर बढ़ता जाएगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आते जाएगा कि तुम जो है टॉर्चर करने की ओर बढ़ने लगोगे। तो कहीं ना कहीं नंबर मैटर्स करता है, कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब कॉमनली अंडरस्टैंडेबल लॉजिक है, ये कहीं ना कहीं ये सारा लॉजिक मैटर करता है कि एट द एंड ऑफ द डे सब कोई चाहता है कि मैक्सिमम प्लेजर मिले, ठीक है। कल तुम्हें कहानी सुना रहे थे, उसका किसका कहानी सुना रहे थे, जरासंध का कहानी सुना रहे थे, कि वो बाकी लोग को तंग नहीं करे, इसके लिए हर रोज उसके केव के सामने कोई खाना लेके जाएगा और एक आदमी जाएगा और उस आदमी को खा जाएगा। दिस वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से किस चीज के लिए था? सेम यूटिलिटेरियन फिलोसफी के लिए था कि एक आदमी के पेन से बाकी लोग बच जा रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रेवलेंट है, कहीं ना कहीं लोग को जब सेक्रीफाइस, मतलब जब कहीं ना कहीं एक चूज करना पड़ता है, तो लोग नंबर के बेस पे चूज करते हैं, इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म इतना पॉपुलर है और इजी टू विजुअलाइज भी है, देखना भी आसान है, इंटेंशन को ऑलवेज जस्टिफाई करना है, बिल्कुल, क्योंकि तुम कॉन्सिक्वेंस के बेस पे जस्टिफाई करते हो, क्योंकि तुम ये जस्टिफाई करते हो कि हमारा गोल जो है मैक्सिमाइज करना है। अभी हम आएंगे, एक एक टर्म है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट है, उसमें क्या बोलते हैं कि मान लो कोई एक एक्शन का दो कॉन्सिक्वेंस है, तो मोरालिटी लोग उस चीज से ड्राइव करते हैं कि उनका इंटेंशन क्या था। समझ में आ रहा है? तो खैर कोई बात नहीं, बट ये समझ में आ रहा है, इसीलिए ये पॉपुलर है। बट एक चीज है यहां पर ये है कि अगर कोई आदमी कंप्लीटली यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से ही देखता है, तो वंस ही टेक्स डिसीजन, वो एक को भूल जाता है। और यहीं पर जरूरी है कि यू शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस अबाउट कांतियन फिलोसफी, क्योंकि कांत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मे बी तुमने यहां तक डिसीजन लेने में मेजॉरिटी का
साथ दिया, बट तुम माइनॉरिटी का भी केयर करोगे, उनका भी रिड्रेस करोगे, जो उससे अफेक्टेड हो रहे हैं स्टेक होल्डर उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू नो दैट दे ऑल्सो हैव ह्यूमन राइट्स और उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अगर तुम कम्प्लीटली यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक बार तुम्हारा डिसीजन हो गया मैक्सिमम लोगों का फायदा, यू विल स्टॉप लुकिंग एट द माइनॉरिटी, यू विल स्टॉप लुकिंग एट द पीपल हु आर अफेक्टेड, है ना। और इसीलिए कांतियन पर्सपेक्टिव जरूरी है। लैंड एक्विजिशन से कुछ लोग डिस्प्लेस होंगे बट उनका रिहैबिलिटेशन तुम तभी करोगे जब तुम कांतियन फिलॉसफी से देखोगे, क्योंकि तुमको लगता है कि उनका भी राइट्स है। अदरवाइज तो तुम वहीं पे चुप हो जाओगे कि इससे जो है विकास हो जाएगा, लैंड छीन लो क्योंकि उससे विकास हो जाएगा। तो वो अवेयरनेस लाने के लिए कि कुछ लोग इस इफेक्ट में, उनका राइट्स है, तुमको कांतियन अवेयरनेस जरूरी है। हु आर ऑल द मेंबर्स जो अफेक्ट हो रहे हैं, व्हाट आर देयर राइट्स, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। समझ में आ रही है बात? ओके, अब हम पॉजिटिव सी डिस्कस कर रहे थे तो पहला बात था वेरी पॉपुलर है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे तूने बोला है बड़ा लॉजिकल लगता है क्योंकि यार इससे सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग खुश हो रहे हैं, तो होना ही चाहिए ये काम, है कि नहीं। सेकेंड है तो मतलब कहता है इट सीम्स सेंसिबल टू बेस एथिक्स ऑन प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस एंड रिड्यूसिंग अनहैप्पीनेस। It seems sensible to base ethics on consequence of what we do, since we usually take decision about what we do by considering what results we will produce. It seems easy to understand and to be, and it is based on common sense. ठीक है, तो इसीलिए utilitarianism का सबसे बड़ा benefit ये है। अब अगर negatives पे आ जाओगे, सर एक जैसे diverse situation में decision making भी इजी कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ वही बात है जो बात बता रहे थे ना कि हर एक का राइट्स, हर एक को अगर तुम करने लगे होगे तब तो देन कई बार तुम डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव्स देखोगे तो भर के नेगेटिव्स हैं। सबसे पहला जो ग्लेरिंग नेगेटिव है कि इट फेल्स टू रेस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल राइट्स। जो हमने कांत के टाइम पे भी डिस्कस किया कि इसके लिए व्हाट मैटर्स इज द मैक्सिमम प्लेजर, कौन उसके अंदर है वो मैटर नहीं करता है, इंडिविजुअल उसके लिए नंबर की तरह है, इधर 10 आदमी इधर 5 आदमी, वो 5 आदमी कौन है वो मैटर नहीं करता, ये 5 राम इधर था कल श्याम इधर हो सकता है, राम श्याम से उसको फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि वो मेजॉरिटी के पार्ट हैं, और ये उस वक्त तक उनका साइड लेगा जब तक कि वो मेजॉरिटी के पार्ट हैं, जिस दिन वो माइनॉरिटी के पार्ट हो जाएंगे उसका साइड नहीं लेगा। तो एक तरह से ये तो इनडिफरेंट, इसके लिए कैलकुलेशन के लिए ह्यूमंस आर जस्ट नंबर्स, समझ में रहना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दे हैव इमोशन, दे हैव सर्टेन राइट्स विच कैनॉट बी टेकन अवे, देर आर सर्टेन इनएलियनेबल राइट्स, देर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन हैज देयर ओन वर्थ, जो कांतियन फिलॉसफी बोलता है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। वंस यू आर पार्ट ऑफ मेजॉरिटी ओके, वंस यू आर पार्ट ऑफ माइनॉरिटी यू कैन बी पुट अंडर द रग। इसमें इंडिविजुअल राइट्स का कोई स्कोप नहीं है। और जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज वेरी गुड चांस कि इस तरह गवर्नमेंट अगर इस फिलॉसफी पे कंप्लीटली काम करने लगे तो माइनॉरिटी का क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, वल्नरेबल सेक्शन का एक्सप्लॉइटेशन होगा। बिकॉज अगर आज के दिन में मान लो हम कह दें कि कंप्लीटली हिंदू नोशन को अगर हम इंडिया में लागू कर दें, हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके इंडिया का रिलीजन हम हिंदू बना दें, इट विल लीड टू मैक्सिमम प्लेजर, क्योंकि 86% लोग खुश होंगे इससे, समझ में आ रहा है, और एक्सट्रीमली खुश होंगे, इंटेंसली प्लेजर प्राप्त करेंगे।
समझ में आ रहा है, लेकिन 14% का क्या? तो मोबोक्रेसी को अगर इस पे अगर तुम करोगे, देयर इज ए गुड चांस कि इट विल लीड टू मोबोक्रेसी। अगर ऐसा होने लगे तो हर डिसीजन टेकन बाय मॉब इज राइट, है कि नहीं? अखलक को लिंच करने से अगर सब लोगों को खुशी मिलती है तो अखलक को लिंच कर दो, समझ में आ रहा है ना? तो ये डज नॉट रेस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। इवन व्हेन यू आर पार्ट ऑफ मेजॉरिटी यू आर सिंपली वन नंबर टू इट, तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वो रेस्पेक्ट नहीं करता है। यू आर लकी टू बी बॉर्न हिंदू फॉर एग्जाम्पल, तो तुम कल के डेट में मुस्लिम भी हो सकते थे, बट इट डजंट मैटर टू हिम कि तुम हो किस रमेश है, एज लॉन्ग एज उसके पास वो नंबर है। समझा? इट रिड्यूसेस इंडिविजुअल टू अ नंबर, समझा रहा है मेरा ये कहने का मतलब है। सेकेंड है सर, जैसे लेकिन इसमें जो फैक्टर्स में लिखवाए थे इंटेंसिटी, मतलब कितने लोग इफेक्ट होंगे, नहीं एक्सटेंट है, सॉरी एक्सटेंट, यूनिवर्सैलिटी अगर देखेंगे तो उसमें तो पूरे वर्ल्ड का देखा व्यू देख के तो इसको नहीं, 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 लेकिन नंबर कम हो गया ना, एक समझना पड़ेगा ना। यूनिवर्सलिस्टिक मतलब क्या? सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा नंबर, अल्टीमेटली इट ऑल बॉयज डाउन टू नंबर। अब मेरे को ये बताओ, इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि राज्य लोकसभा से जो भी बिल पास हो रहा है वो एथिकल हो रहा है, तब कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत क्यों है? अगर नंबर्स ही मैटर करते हैं तो कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? सम थिंग्स आर वाई फंडामेंटल। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, मेजोरिटी डिसाइड करे, काम खत्म। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ओके, डाइवर्सिटी का कुछ स्कोप नहीं है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, सबको यदि इंजीनियर बनाने से सोसाइटी में ज्यादा एफिशिएंसी आता है तो सबको इंजीनियर बनाओ, बिल्कुल। जैसे कि कांत, कल कांत वाला कल बोल रहा था, कल कांत का जब क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म में पढ़ रहे थे तो कह रहा था कि इट डजंट मैटर हाउ इंटेंसली मेजॉरिटी वांट समथिंग, सिंपली बिकॉज समबडी वांट समथिंग इट डजंट मेक इट राइट। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पर। कहता है कि अब ये कैलकुलेशन करने के लिए क्या है? कैलकुलेशन करने के लिए तुमको क्या चाहिए? हर एक चीज को एक ही यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। पेन प्लेजर कन्वर्ट करने के लिए हर एक जो भी चीज कैप्चरेबल है उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट क्या पॉसिबल है हर एक चीज को एक यूनिट में कन्वर्ट करना? फॉर एग्जाम्पल, तुमने ट्राइबल का लैंड ले लिया फैक्ट्री बनाने के लिए, कैलकुलेशन कर रहे हो पेन और प्लेजर का। प्लेजर हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कितना लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पेन है कि एक ट्राइबल का कल्चर लॉस हो रहा है, हाउ विल यू क्वांटिफाई दैट? एनवायरमेंट का लॉस हो रहा है, हाउ विल यू क्वांटिफाई दैट? हाँ, यू विल क्वांटिफाई कि 10 ट्राइबल्स इससे अफेक्ट हुए हैं, बट कैन यू क्वांटिफाई द लॉस मेड टू द एनवायरमेंट? कैन यू क्वांटिफाई द लॉस मेड टू देयर कल्चर? कंप्लीटली कल्चर डिसकल्चर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कल्चर। एक बार वो उसको रिप्लेस करके तुम शहर के अंदर घुसा दोगे, क्योंकि वो लोकलाइज्ड कल्चर है। ट्राइबल्स आर टेरिटोरियल बाय नेचर। नियामगिरी पर्वत पे जब वो हट जाएगा, नियामगिरी पर्वत पे जब फैक्ट्री बन जाएगा तो उसका भगवान ही खत्म हो गया। समझ में ना क्या कर रहे हैं? ओके, तो सेकेंड थिंग इज कि हर एक चीज को कॉमन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मेरे को बात बताओ, तुमको कल के दिन में कोई बोले कि तुम्हारा घर को हम कब्जा कर लेते हैं, पुश्तैनी जमीन है तुम्हारा, कोई बोले कि तुम्हारा घर को हम कब्जा कर लेते हैं और वहां पे रोड बनेगा, उससे खूब विकास होगा। इट्स नॉट जस्ट जमीन फॉर यू, उसके साथ इमोशन अटैच्ड है, तुम्हारा लोकेलिटी है, तुम वहां पर ग्रो किए हो, वहां पर रहे हो, वहां पर पले बढ़े हो। How can you account all of that in the same currency? ठीक है, इंडिविजुअल perception और सब्जेक्टिविटी, बिल्कुल, बहुत चीजें सब्जेक्टिव हैं। जिसको कांत ऑब्जेक्टिविटी से ये करता है, आर्गू करता है। ठीक है, सेकेंड है जो खास करके ये वाला है, जो एक्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, ये क्या है?
नॉर्मल लाइफ में भैया तुम बैठ के जोड़ घटाओ गुना भाग करने लगे तो मालूम चला कि इतना डिले हो जाएगा कि तुम एक्शन ही नहीं कर पाओगे, तो इम्प्रैक्टिकल है। और इसीलिए रूल कॉन्सिक्वेंशलिज्म आया था, इसी इम्प्रैक्टिकलिटी को सॉल्व करने के लिए रूल कॉन्सिक्वेंशलिज्म आया था। सेकेंड है कि फ्यूचर तुम प्रेडिक्ट करके एक्शन ले रहे हो एंड फ्यूचर माइट बी टोटली डिफरेंट। तुमको लगा था तुम सारा ब्लैक मनी कब्जा कर लोगे और मालूम चला कि तुमने कुछ नहीं कब्जा किया। नाउ व्हाट हैपेंस, इज दिस एक्शन मोरल और नॉट, इज दिस एक्शन जस्टिफाइड और नॉट? क्योंकि तुमने 5 गोल बताया था बट 5 में से कोई गोल तुमने अचीव नहीं किया डिमोनेटाइजेशन में। फ्यूचर कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रिडिक्शन, समझ में आ रहा है? तो मोरालिटी का तो तुम्हारा बेसिस ही चैलेंज हो सकता है, क्योंकि तुमने कहा था कि हम फ्यूचर में ये अचीव करेंगे, तुमने कहा था कि तुम फ्यूचर में कुछ अचीव करोगे और अचीव कुछ और हो गया। अब बताओ मोरालिटी कहां से है तुम्हारा एक्शन का? और बाय इट्स वेरी ओरिएंटेशन इट इज फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि सब कुछ ये फ्यूचर में क्या होगा वो सोच कर करता है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल, जो कि रिवर्सिबल भी हो सकता है। ओके, सेकेंड है चूजिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में प्रोड्यूस डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ नहीं, मतलब मान लो एक मुस्लिम सोसाइटी में कैब जैसे बिल का करोगे तो तुमको हो जाएगा कि नहीं ये एथिकल नहीं है। अररिया के किशनगंज में करोगे तो पता चलेगा कि कैब बिल अनएथिकल है, ठीक है। वहीं अयोध्या में करोगे तो एथिकल हो जाएगा, मथुरा में करोगे तो एथिकल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये तो अनसर्टेन है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो डिपेंड करता है ग्रुप पर भी, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम अच्छा एक तो जस्ट पासिंग बताते हैं कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज इनकंसिस्टेंट विथ ह्यूमन राइट्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एक और इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट टेक फेयरनेस इनटू अकाउंट। फेयरनेस से क्या मतलब है यहां पर? तुमने डैम बनाया नर्मदा में, ट्राइबल डिस्प्लेस हुआ और फायदा किसको पहुंचा? गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट को। और तुमने कह दिया कि ये तो एक्शन मोरल है, बट बर्डन ऑफ पेन इज ऑन कैन बी ऑन समबडी एल्स कंप्लीटली। बेनिफिट जिसको मिल रहा है दैट कैन बी समबडी एल्स टोटली एंड स्टिल योर एक्शन बिकम्स मोरल। जो फायदा ले रहा है वो उसके लिए पे नहीं कर रहा है, जो पे कर रहा है वो उससे फायदा नहीं ले रहा है। तो हाउ दिस एक्शन इज फेयर? समझ में आया हम क्या कहें फेयरनेस से? ठीक है, तो ये था बेसिकली मेन क्रिटिसिज्म ऑफ क्या है हमारा, यूटिलिटेरियनिज्म। अब हम लोग देखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल्स का यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल्स वाला बहुत ज्यादा नहीं, अनलेस नहीं पूछा जाए यू शुड नॉट गो देयर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल्स। यूटिलिटेरियनिज्म के साथ एक मेजर, जो सबसे मेजर क्रिटिसिज्म था कि ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कोशिश कर रहा है, बहुत ट्राई करता है कि किसी तरह से हम ह्यूमन राइट्स को जेल करें विथ यूटिलिटेरियनिज्म। और उसके लिए बहुत सारा वो लॉजिक वॉजिक दिया, और उसका बुक है ऑन लिबर्टी, उसकी बुक का नाम है ऑन लिबर्टी। वहां पर वो डिफेंड करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम को हाईलाइट करता है और बोलता है कि पीपल शुड बी फ्री टू डू वॉट एवर दे वांट प्रोवाइडेड दे डू नो हार्म टू अदर्स। ठीक है, गवर्नमेंट मे नॉट इंटरफेयर विथ इंडिविजुअल लिबर्टी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम हिमसेल्फ और टू इम्पोज द मेजोरिटीज बिलीफ अबाउट हाउ बेस्ट टू लिव। The only action for which a person is accountable to society are those that affect others. मतलब ये basically liberty को maximize कर रहा है और उस पर limitation वहाँ पे डाल रहा है when you start affecting others.
और कहता है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी का प्रिंसिपल है। तो इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा बचा के लेके चला जाता है कि एज सून एज यू स्टार्ट अफेक्टिंग अदर्स तो कहेगा उसका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है। और बहुत अनकंफर्टेबली ही बेसिस के इस पूरे लॉजिक का भी बेस जो है यूटिलिटेरियनिज्म है। और वो कहता है कि अगर तुम ह्यूमन लिबर्टी को शॉर्ट टर्म में हो सकता है तुमको लगे, ये हर एक चीज को कहता है लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में देखो, बड़ा पिक्चर देखो। तो बोलता है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में तुमको लगे कि मुस्लिम राइट्स को अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो तुमको प्लेजर प्राप्त हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एनी काइंड ऑफ डिविएंस विल नॉट बी अलाउड। मालूम चला कल के दिन में हो जाएगा लहसुन प्याज खाना मना है, समझ में आ रहा है, अभी बीफ खाना मना है, कर दिया तुमने मना, बट कल के दिन में ये भी तो होगा कि लहसुन प्याज खाना मना है, तब तो तुम पेन में आ जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसीलिए अल्टीमेट यूटिलिटी जो है किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को कर्व करने से क्या होगा, डिग्रेड होगा, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से अनकंफर्टेबली He tries to gels individual rights with the utilitarian philosophy. कि अगर अभी short term में तुम्हारा utility का calculation बोलता है कि individual rights को तुम लेके maximum utility प्राप्त करते हो, तो long term में क्या होगा, it will be detrimental to everybody's individual rights. समझ में आ रहा है। तो इस तरह से what he tries to do is that कि individual rights को इंडिविजुअल राइट्स को किसी तरह से मिक्स करने का कोशिश किससे करता है, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी से। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया, उसने इस तरह से कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स से वो बचा के ले जाता है। और दूसरा चीज, वो एक और चीज जो बोला है, बेंथम के हिसाब से प्लेजर इज प्लेजर एंड पेन इज पेन। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता है क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन अमंग प्लेजर, मतलब कोई प्लेजर हाई ग्रेड का है, कोई प्लेजर लो ग्रेड का है, उतना डिस्टिंक्शन नहीं करता है। बट मिल्स बोलता है कि सर्टेन प्लेजर आर ऑफ हायर पेडेस्टल एंड सर्टेन प्लेजर आर ऑफ लोअर पेडेस्टल। अगेन मैं कह रहा हूं कि जब तक नहीं पूछे इसके अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि बेसिकली यू आर नॉट ड्रॉइंग समथिंग विच यू कैन राइट इन द आंसर। अनलेस कि वो पूछ दे कि जर्मी बेंथम का क्या कंट्रीब्यूशन है यूटिलिटेरियनिज्म में, बिकॉज ही इज ए मेजर थिंकर, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है ना, बट अगेन इन एनी वे इट विल नॉट हेल्प यू इन मतलब राइटिंग आंसर। केवल वो वाला एस्पेक्ट में भी तुम ले सकते हो कि जर्मी बेंथम के हिसाब से फ्रीडम एंड्स वेयर इट स्टार्ट्स इंपिंजिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स, समझ में आ रहा है, बट मोस्टली तुम यूज नहीं कर पाओगे। ये क्लियर है। तो यही था बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल्स का, सॉरी बेंथम का है, मिल्स का। ठीक है, तो ये था तुमको जॉन स्टुअर्ट मिल्स, और इसके साथ हमारा यूटिलिटेरियन खत्म हो गया। और हमको हमेशा यूटिलिटेरियनिज्म को कांतियन फिलॉसफी से कॉम्प्लीमेंट करना है, कांतियन फिलॉसफी को यूटिलिटेरियनिज्म से कॉम्प्लीमेंट करना है। जब बात आएगी ट्राइबल्स की, जब बात आएगी एससी की, जब बात आएगी वीमेन की, जब बात आएगी माइनॉरिटी की, यू ऑलवेज हैव टू स्विच टू कांतियन मोड। जब बात आएगी मेजॉरिटी में ही किसी की लेनी है तो तुम जो है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी लगा दो। सब हिंदू ब्राह्मण अर्बन क्लास है उसका जमीन लेके तुम फैक्ट्री बना दो, कोई दिक्कत नहीं। पर ट्राइबल का बनाओगे तो थोड़ा सा कंसिडरेशन तुमको दिखाना पड़ेगा कि उसको रिलोकेट है, ये सब भी करना पड़ेगा, समझना रहा है। बट द होल पॉइंट इज कि यूटिलिटेरियनिज्म अपने आप में इंडिविजुअल राइट्स को रेस्पेक्ट नहीं करता है, जो कि कांत करता है। हेंस द थ्योरी जो है, दोनों का अगर कंसर्न नहीं लोगे तो तुम्हारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा। एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए डिसीजन मेकर, कांत के हिसाब से तुम हमेशा अटक जाओगे। क्योंकि कांत बोलेगा कि यार ट्राइबल का राइट तुम ले नहीं सकते हो, तुम जमीन उससे छीन नहीं सकते हो, तुम फैक्ट्री बना नहीं सकते हो, उसका भगवान है, कल्चर है, तो फिर तुम करोगे क्या,
समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस तुमको खोजना पड़ेगा, और तुम्हारा एक नेचुरल इंक्लिनेशन किस ओर है वो तो तुमको गाइड करेगा ही। बट एक चीज जो मैंने मोस्टली लोगों में देखा है मॉडर्न एजुकेशन के सेंस में, कि लोग कांतियन ड्यूटी और इस सब को भूल जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी को कंप्लीटली भूल जाते हैं, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए ब्यूरोक्रैट जब तुम पॉलिसी मेकर हो तो यूटिलिटेरियनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज ए इंप्लीमेंटर इन द फील्ड ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम इंप्लीमेंट करने जाते हो तो वहां पॉलिसी डिसीजन तुमको नहीं मानना है, तुमको कोई काम करना है सिर्फ विद द सेंस ऑफ ड्यूटी करना है, समझना है? तो ये सारी चीजें तुमको देख के करना है कि कांतियन फिलोसफी का ब्यूरोक्रेसी में क्या रिलेवेंस है। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टाइम के लिए गांधी जी का, गांधी जी क्या कहते हैं, चौरी चौरा में आग हुआ बंद कर दिया उन्होंने सत्याग्रह, तो ये कांतियन फिलोसफी है कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी है? यूटिलिटेरियन फिलोसफी रहता तो क्या रहता, गोल हमारा अचीव हो रहा है कि अंग्रेजों के विरोध में काम हो रहा है, बट ये कांतियन फिलोसफी है। गांधी जी ने हमेशा मींस को हाईलाइट किया था, गांधी जी के लिए मींस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, प्योरिटी ऑफ मींस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इसलिए कहीं ना कहीं वो कांतियन फिलोसफी के ज्यादा क्लोज थे। अम्बेडकर मींस, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं जिसको तुमको देख के चलना है। तो इसके साथ हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म खत्म करते हैं, ठीक है।